अपना पैर टूट गया था, टूटा हुआ था। मैं क्या देखिए, मैं क्या पैर टूट गया गाइस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का व्लॉग थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो मम्मी का पैर में फ्रैक्चर हो गया है और ये अचानक से हो गया था, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, बिजी हो जा रहे हैं। तो अभी दो दिन पहले का ही बात था, तो क्या है, कैसे हुआ सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे इसी व्लॉग में। और अभी मम्मी कैसी है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिए एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जब तक पहुंचे वो भी सबसे पहले। और इधर अंशु भी आ गई है मम्मी को देखने के लिए, और दीदी भी आई हुई, दीदी स्कूल गई है अभी। और तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर। माई कैसी है अभी? अच्छी नहीं है, बुखार हो गया है। बुखार नहीं हुआ है, मतलब मम्मी फिलहाल बेहतर है और अभी रेस्ट कर रही है। तो अभी हम लोग, मेरा मॉर्निंग का मतलब लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया। अभी दोपहर का लंच बनाएंगे, तो सारा काम ख़त्म करके और फिर आप लोगों से मिलते हैं और मम्मी से भी मिलाएंगे। ठीक है, तो मिलाई ना। मैं देख सकते हैं मैं इतना काम में बिजी हूँ और ये लड़की मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही है। देखिए, पूरा बर्फ निकाल निकाल के खा रही है। अभी तबीयत खराब होगा तो बस समझ में आएगा। और इधर देख सकते हैं मेरा दाल बन चुका है, इधर चावल चढ़ रहा है और इधर सब्जी भी बन चुका है और बर्तन धोने जा रहे हैं। अब तुम बदमाशी करो खाली। और देखिए इसका जुगाड़ देखिए, अब देखिए ना माई का पैर टूटा, अब तेरा भी टूटेगा, ऐसे करेगी तो। अब हम पानी से बर्फ जमाते हैं यार। सुनो, एक काम करेगी मेरा, सारा बॉटल भर दो ना। नो। देखिए कितना बदतमीज है, तुम्हारी मिस भी देख रही है। करेगी कि नहीं? करेंगे। बॉटल भरेगी कि नहीं? भरेंगे। हाँ? भरेंगे। तो जा भर। देखो। पानी भरेगी, उसमें डालेगी, जम जाएगा, फिर खाएगी। तो अलग ही हमको परेशान करके रखती है। तो गाइस। चल बॉटल लेके आ भर। तो चलिए बाकी का काम कंप्लीट कर लेते हैं, बर्तन वगैरह धो लेते हैं और फिर मिलते हैं। एंड ये रही अंशु गुड गर्ल, सारा बॉटल भरेगी अभी पानी और फ्रिज में, है ना? भर लोगी ना? हाँ। चलो भरो। आपका सारा काम करने वाले आदमी तो यही है। इसीलिए तो तुमको बुलाए हैं, मेरा हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए ही तो आएंगे। ठीक, चलिए किचन भी साफ कर लेते हैं, पूरा गंदा हो गया है। वेरी गुड, वेल डन। किसमें जब हम छत चढ़े थे और देखे इतना बड़ा बड़ा घास निकल गया, हम लग रहा कितना दिन बाद इधर छत चढ़ रहे हैं। देखिए, अरे देखो उधर एक सूरजमुखी का फूल भी है, देखो हो रहा। और देखिए पानी नहीं होने के कारण पूरा सूखा पड़ गया है खेत वगैरह। देखिए धान का जो आफर होता है वो भी एकदम छोटा छोटा सा, पानी नहीं गिर रहा है, तो पूरा सूखा सूखा हो गया। और मैं भी चुप। देखिए ये लड़की क्या कर रही है, गिर जाएगी। देखिए सही में घास इतना बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ना इधर बड़े सांप घूमता है इसलिए उधर जा भी नहीं सकते। बाकी उधर रास्ता तो है हम लोगों का जाने का, लेकिन जा ही नहीं पाएंगे, इतना बहुत डर लगता है, तो सांप घूमते रहता है। कुछ दिन पहले ही देखे थे ना बेटे? पर हम नहीं देखे थे कुछ भी। और वो देखिए मेरा बगान जहाँ पे अरहर लगा हुआ है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, अरहर कम घास ज्यादा है। और इधर लगाए हैं मकई, मुझे मकई बहुत पसंद। मकई है उधर भी, मकई है बाबा जी। और नारियल भी फला है, देखिए नारियल भी है। चलो चलो काम करते हैं अब, चलो। सो गाइस, फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और मम्मी को भी चलिए दिखाते हैं मम्मी अभी क्या कर रही है। सो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा मम्मी सोई हुई है, इसलिए मम्मी को डिस्टर्ब नहीं किए, आ गए। और जब मम्मी उठ जाएगी फिर आप लोगों से दिखाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि मम्मी को कहाँ पे और कितना चोट लगा है और कैसे चोट लगा था वो भी बताएंगे। तो फिलहाल अंशु को भेजते हैं दुकान कुछ लेने के लिए।
पहले पैसा पकड़, मेरे लिए ला देना एक टेढ़े मेढ़े और एक चूड़ा, हल्दीराम वाला चूड़ा। और तुम? अरे मैं, अरे हम एक ले लेंगे, ले। चप्पल पहनो, जा। गाड़ी आ रहा है। क्या? हम दोनों खाएंगे। चल ना अपना लेके। देखिए ये कितने बदमाश है, हम बोले थे हमको टेढ़े मेढ़े ला देना, देखना वीडियो में भी है। अब मेरा टेढ़े मेढ़े तो ले लिया, हमको ये वाला दे दी, अब पूरा मारी। और इससे हमको मिला एक रिंग, देखिए कितना खूबसूरत रिंग है। मेरा वाला तुमको मिला, कुछ पड़ा चल चल, मेरा वो मेरा है, तुम कहे, तुम कहे कहे तो कहे। देखिए अंशु कितने बदमाश है, मेरे से पूरा झगड़ा की। एक तो हम पैसा दिए लाने के लिए, हम बोले थे टेढ़े मेढ़े लाने और कुछ छीन ली और हमको बहुत मारी। हमने ये खरीदा था, हम उनसे बात नहीं करेंगे। देखिए मम्मी को, मम्मी और अंशु देख रही है यहाँ पे बाहर भाई। एक पागल लड़की को क्या कर रही है, साड़ी पहन रही है, साड़ी पहन रही गधी। अगर बारिश होगा तो क्या करेंगे? एकदम बहुत सुंदर लग रही, एकदम ब्यूटीफुल। कैसे लग रही? बहुत सुंदर। मैं अपना पैर तो लगा था टूटा हुआ, तो मैं क्या देखिए मैं का पैर तो लगा गई, देखिए अब कम तो गैस ये वाला व्लॉग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है बट खाया नहीं है, सोचे व्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है मम्मी का पैर का फ्रैक्चर हो गया, तो कैसे हुआ वो तो बता ही नहीं पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो अभी बता देते हैं, दो दिन पहले का बात है, दो दिन तीन दिन हो गया। तो रात के 2 बज रहे थे और मम्मी ऐसे बाहर निकली थी तो लाइट कटा हुआ था उस टाइम, और जो धारी टाइप से बना रहता नहीं उस पे क्या वो मम्मी का पैर गया और ऐसे करके मुड़ गया। और 2 बजे रात में तो हल्का तो इंसान नींद में ही रहता है, तो फिर उनको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, बाकी जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे पैर पलट गया, मम्मी जोर से गिर गई थी, बहुत ज़ोर से ही गिर गई थी इसलिए फ्रैक्चर हो गया। तो वहाँ पे लेग पे नीचे जो है उनका फ्रैक्चर हो गया, बाकी इधर हाथों तो में चोट भी लगा। तो फिर हमको नहीं पता था, फिर वो मम्मी पापा को उठाई थी रात में, फिर देखे थे हमको सुबह जब हम सो के उठे तब हमको पता चला। देखे मम्मी सोई हुई थी तो फिर पापा बताए रात में ऐसा ऐसा हुआ था, तो फिर जाके देखे तो पूरा फूल गया था। फिर पापा तुरंत से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिए और मम्मी को लेके गए। ऐसे लगा कि नॉर्मल ऐसे लगा होगा चोट वगैरह, पर वहाँ जाके एक्सरे वगैरह करवाए तो पता चला फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर करना पड़ेगा। तो फिर वही प्लास्टर वगैरह करवा दिए, तो अभी मम्मी का दर्द नहीं है क्योंकि दवा वगैरह ले रही है और प्लास्टर भी अच्छी तरह से हो गया। तो बस यही था, इसी तरह से मम्मी का चोट लग गया। और अभी मम्मी का उसी पैर में बहुत दिन से दर्द भी था, तो रेस्ट ही नहीं करती थी। और इससे क्या हुआ ना, मम्मी को फुल बेड रेस्ट मिल गया, तो उससे उनका पहले वाला दर्द भी ठीक हो जाएगा और ये प्लास्टर हो गया तो पूरा पैर को एकदम आराम मिल जाएगा, दवा भी चल रहा है, तो मम्मी का ये जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो बस दुआ कीजिए, प्रे कीजिए मम्मी का पैर जल्दी से ठीक हो जाए और मम्मी पहले जैसे फिर से हो जाए। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अभी अंशु आई हुई है, आज संडे है जैसे कि, वो फिर आज चली जाएगी क्योंकि उसका स्कूल है, तो फिर से हम अकेले हो जाएंगे। तो फिर जुली दी आएगी, फिर आप लोगों को मिलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय, टेक केयर।